हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। एक तो बारिश हो रही है और पौधे पेड़ पौधे इतने खुश हैं, मज़ेदार, और ठंडक भी है जो कि बहुत दिनों बाद मिल रही है। आहा, नेचुरल ठंडक। एसी में तो हम रहते हैं लेकिन वो मज़ा नहीं है जो यहाँ पर है, जो इस समय है, इस मौसम में मज़ा आ गया। अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है आज। तो हम बनाते हैं अपने लिए बढ़िया कड़क चाय। क्या था वो? पत्ती ठोके चीनी रोक के, ठीक है। तो चाय बनाते हैं और चाय एंजॉय करते हैं। चाय भी अच्छी लगेगी आज तो, बहुत बढ़िया लगेगी चाय पीनी। चाय हम पीते तो हैं रोज़ क्योंकि एडिक्टेड है, लेकिन आज चाय पियेंगे एंजॉय के साथ। तो जी, कैसे हैं आप? शाम के बज चुके हैं 5 और बात करनी थी मुझे, क्या ऐसे पकड़ लेती हूँ। बात मुझे करनी थी कि मैंने देखा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे तौबा मची हुई थी कि जो निशा लांबा है, अगर भाई मुझे लगता है बहुत लोग जानते हैं निशा लांबा को, तो निशा लांबा को जो जानते हैं उनको पता होगा उनका एक गाना आया था और वो गाने पे किसी ने स्ट्राइक लगा दी और उनका चैनल भी ख़त्म हो गया, गाना भी ख़त्म हो गया। मतलब कुछ ही घंटों में वो इंस्टाग्राम से उड़ गया गाना, कुछ ही मिनटों में वो यूट्यूब से गाना उड़ गया, मतलब उनका चैनल ही ख़त्म हो गया। सोचने वाली बात ये है कि वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो लोग, मतलब एक जने की बात नहीं है ये कि वो निशा लांबा है या उनके साथ जो हैं वीरेंद्र जी वो हैं, बात ये है कि बहुत लोग जुड़े होते हैं। गाना एक बंदा नहीं बनाता, चलो अगर हम निशा जी को साइड में रख दें, गाना एक बंदा नहीं बनाता, उसमें बहुत लोगों की मेहनत जुड़ी होती है। वो सब पानी में। बहुत दुख हुआ था कल, बहुत अजीब भी लगा कि लोग खुद कुछ कर पाते नहीं हैं लेकिन जब कोई कर जाता है ना तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। निशा लांबा और पप्पल सांगवान, जिनको मैं मतलब डेली देख रही हूँ, मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ, इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ, मैं कमाल कर रखा है उन्होंने अपनी लाइफ में। इंस्पिरेशन लेने वाली लेडीज़ हैं कि हाँ, हम उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो और दोनों ही अपने बलबूते पे, मतलब अगर ये कहा जाए ना कि सपोर्ट तो देखो है फैमिली का, वो भी अपनी अपनी फैमिली का, ये नहीं है कि अपने हस्बैंड की साइड की फैमिली का सपोर्ट है, दोनों को अपनी अपनी फैमिली का सपोर्ट है। दोनों ने धूम मचाई हुई है। निशा लांबा कोई क्या उखाड़ सकता है, पप्पल सांगवान का कोई क्या उखाड़ सकता है, इनके बारे में बोल बोल के लोग अपनी कमाई कर जाते हैं। तो भाई इनका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। तो जो लोग बेवजह इनके पीछे लगे होते हैं, इनको पिन करते हैं, सवाल वहाँ पर खड़ा होता है कि क्यों, क्या हो गया, तुम खिला रहे हो उसको, तुमसे लेके खाती है, हैं? प्रोफाइल ही चेक कर लो निशा लांबा की, तो पता चल जाएगा क्या चीज़ है वो। और भाई मेहनत की है, मेहनत दिखती है बंदी की मेहनत दिखती है। पप्पल सांगवान को देख लो, ऐसे हवाबाजी में नहीं हो जाता कुछ भी, मेहनत लगानी पड़ती है। मेरी जैसी ये सोचती रह जाती है क्या वीडियो बनाऊँ। ऐसे बहुत लोग हैं जो डेली बेसिस पे वीडियो डाल देते हैं, चाहे कुछ कोई भी कंटेंट उठा के डाल देते हैं। इसी को मेहनत कहते हैं।
कि तुम डेली बेसिस पे अपनी जॉब उसको पकड़े रखो, उसको रोज करो। ये मैं खुद से भी कहना चाह रही हूँ। तो कल बहुत बुरा लगा भाई, उनका चैनल भी उड़ा दिया गया, उनका गाना भी उड़ा दिया गया। वो लड़की क्या डिप्रेशन में होने के बावजूद वो इतनी टॉप पे है आज कि किसी से झेली नहीं जा रही, किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। अभी वो डिप्रेशन में दुख जाती है कई बार, और जब वो खुश होती है ना तो क्या नाचती है, कूद कूद के नाचती है। फिर वो बहुत ही बढ़िया, उसको देख के मन खुश हो जाता है भाई, निशा लांबा को। उसका तो कोई क्या ही बिगाड़ेगा। खैर आ गया, गाना भी आ गया अगले दिन उनका, और बज भी रहा है, धूम धड़ाके से बज रहा है उनका गाना। ठीक है, तो भाई जलने वालों, अपनी जलन को थोड़ी डाइजीन खिलाओ, जलो मत। औरतों से जलने वालों, अपना इलाज कराओ। चलो अगर आप जल रहे हो किसी कामयाबी से, हैं, किसी के अच्छे ओढ़ने पहनने से, किसी के अच्छे खाने पीने से, हंसने बोलने से जल रहे हो, ठीक है, औरत से तो मत जलो। अपनी जलन में जेंडर क्यों डाल देते हो है भाई, जेंडर क्यों डाल देते हो। और पप्पल सांगवान, वाओ भाई, बच्चे भी संभाल रखे हैं। और देखो कभी कभी क्या होता है, बच्चे भी बच्चे ही हैं, बोल जाते होंगे 101% कुछ ना कुछ माँओं को बोल जाते होंगे। और जब माँ अकेली होती है ना, मतलब एक तो पेरेंट्स हों दोनों, माँ और बाप, तो दोनों की जिम्मेदारी हो जाती है। जब एक पेरेंट्स होता है ना, उसके ऊपर दो लोगों की जिम्मेदारी, अपनी भी और अपने हस्बैंड की भी। अगर लेडीज़ है तो हस्बैंड की, और अगर जेंट्स है तो वाइफ की, ठीक है, दोनों की जिम्मेदारी आ जाती है। फिर उसका काम दुगना हो जाता है, उसका काम दुगना हो जाता है कि मुझे दोनों की जिम्मेदारी पूरी करनी है, ऊपर से कमाई भी करनी है, ऊपर से खुश भी रह के दिखाना है, बच्चों का ध्यान भी रखना है। और ये जैसा इधर उधर कुकर मुत्ते उठ के आ जाते हैं, कुकर मुत्ते, उनको भी देखना है। तो भाई ये दोनों लेडीज़ बिंदास हैं, जिनको मैं डेली बेसिस पे देखती हूँ, इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, यूट्यूब पे देखती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो निशा लांबा जी और पप्पल सांगवान जी, आपको दिल से नमस्कार, और आप खुश रहें, आगे बढ़ते रहें अपनी ज़िंदगी में, और हम जैसे लोग, आप जैसे लोगों से प्रेरणा लेते रहें, इंस्पायर होते रहें। तो निशा जी, बहन तेरे लिए बहुत खुश हूँ मैं, तेरा गाना आ गया, अब तू राजी रह, ठीक है। और ऐसे ही अपने दुश्मनों की हवाइयाँ उड़ाती रह, छोड़ियो मत किसी को भी। और जलने वालों, डरने लग जाओ अब तुम इससे। लोगों को डरने की ज़रूरत है कि अगर एक औरत को छेड़ेंगे एक दो बार, तीन बार, 12 बार, 13 बार, 15 बार सहन कर लेगी, उसके बाद नहीं, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। तो मैं सोच रही थी मैं कुछ ना कुछ आज बात करूं इस बारे में कि लेडीज़ के पीछे ज़्यादा पड़ जाते हैं लोग। तो भाई अपना अपना दिमाग सेट करें, सोच अच्छी करो अपनी। 100% किसी के लिए गलत सोचोगे तो गलत ही होगा तुम्हारे साथ भी, ये 100% श्योर है। तुम्हें पता चले ना चले, पर हो जाएगा, भगवान करे, भगवान गिन गिन के बोले कि तूने ये किया था तो ये तेरे साथ हुआ है। मज़ा तब है, मज़ा तब है। तो जी, मौसम तो अच्छा है, बातचीत भी अच्छी हो गई है। निशा लांबा और पप्पन सांगवान को आप लोग भी देखें, जाएं, और देखें किस स्ट्रगल से वो लोग गुजरे हैं, आज भी गुजरते हैं, आज भी डेली लाइफ में वो स्ट्रगल से गुजरते हैं, हम भी गुजरते हैं, लेकिन उनकी लाइफ हमारे सामने ज़रा ओपन है तो हमें ज़्यादा पता है। तो भाई
अपने आसपास के लोगों से सीखो और जलत खोरो, थोड़ा थम जाओ, तुम थोड़ा थम जाओ, इतना मत जलो कि निशा लंबा या वीरेंद्र पहलवान पहल न्यूट्रिशंस के चक्कर में तुम अपना कुछ कर्म बिगाड़ बैठो। तो भाइयों खुश रहो, खेलो कूदो नाचो, को अपना परिवार चलाओ, अपने बच्चे पढ़ाओ, कहाँ किसी के पीछे जाके लग जाते हो। किसी कोई इतनी मेहनत करके कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है तो करने दो उसको, क्या दिक्कत है तुम लोगों को, दिक्कत क्या है बेवजह।